बाबू टाइम एंड वर्क के ऊपर भी आप लोग को आता है। स्पीड वाले कुछ भेजे थे, समय का अभाव था, जो हम कर सके आप लोगों के लिए हमने तो कोशिश किया, लेकिन सेक्शन भी हम उतना नहीं करवा पाए क्योंकि सेक्शन ए में ही अभी आपका हम ज्यादा से ज्यादा 75% 80% ही करवा पाए, तो सेक्शन बी में 5 ही प्रॉब्लम हम भेज पाए थे और एक 10 गो और भेजेंगे हम 17 तारीख तक, 10 गो भेजने का सेक्शन बी से कोशिश करेंगे। अभी टाइम एंड वर्क के ऊपर ही ढेर सारा भेजेंगे। तो टाइम एंड वर्क में होता क्या है, आपको कभी भी ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना यूनिट में, आप कभी कोयला का कैलोरीफिक वैल्यू का डिफरेंशियल जानते क्या होता है कि एक यूनिट कोल को, यूनिट मतलब चाहे वो एक ग्राम लीजिए, चाहे एक केजी लीजिए, चाहे एक टन लीजिए, यदि एक का वैल्यू आपके पास है, यूनिट ग्राम आप कोल को जलाने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट मिलता है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल। पाउडर फैक्टर उधर बोलते हैं ब्लास्टिंग में, क्या बोलते हैं, एक केजी बारूद को ब्लास्ट करने पर जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल टूटता है उसको बोलते हैं पाउडर फैक्टर। कैसे लिखते हैं, क्यूबिक मीटर पर केजी, ऐसा लिखते जी क्यूबिक मीटर पर केजी, या क्या लिखते हैं टन पर केजी, ये कोल के केस में टन पर केजी लिखते हैं, ओबी के केस में ऐसा लिखते हैं क्यूबिक मीटर पर केजी। एक किलो बारूद का हमने इस्तेमाल किया ब्लास्टिंग के लिए और कितना टन कोयला मिला वो हो गया पाउडर फैक्टर, या एक केजी बारूद का इस्तेमाल किया ब्लास्टिंग के लिए और कितना क्यूबिक मीटर मटेरियल हमको टूट के मिला ब्लास्टिंग के बाद, ये हो गया पाउडर फैक्टर, यही ना बोलते। तो या एक का वैल्यू मालूम, एक का मालूम है उससे इंटू कर दीजिएगा, मैंने 50 टन आज एक दिन में मैंने 50 टन बारूद खर्चा किया, ठीक है, तो ये केजी में है तो 50 इंटू कर दीजिए 1000 जो भी आएगा वैल्यू। अब उसको क्या करेंगे, टोटल जो आपका प्रोडक्शन हुआ कितना मटेरियल टूटा उसको डिवाइड कर दीजिएगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। तो यहां पर भी आपको टाइम एंड वर्क में मान लो 2 आदमी दे दिया, 1 आदमी दे दिया, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे क्या कर, एक दिन का काम निकाल लेना क्यों, एक दिन में कितना काम कर रहा है, और एक दिन का निकल गया तो कितने दिन में वो काम को खत्म कर देगा, ये निकल इतना ही ना करना रहता है, बताता लोग बड़ा गड़बड़ गड़बड़ है। देखिए जैसे हम लिया एक एग्जाम्पल, ये पहले 2 नोट को समझ लीजिए फिर हम प्रॉब्लम ले रहे, ठीक है। इफ राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, कोई एक काम है बहुत बड़ा काम है तो एक साथ नहीं ना पूरा काम हो जाएगा, उसका कुछ भाग होगा, तो राम जो है एक दिन में क्या कर रहा है, ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, राम जो है एन डेज में कुछ दिन लिखा रहेगा 8, 10, 20 को वो लिखा रहेगा आपको प्रॉब्लम, उतना दिन में क्या कर रहा है एक पीस ऑफ वर्क को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा था, देन राम्स वन डे वर्क हो जाएगा 1/n, क्या हो जाएगा 1/n, अरे 1 एक दिन हुआ और n टोटल नंबर ऑफ डेज हुआ तो 1/n हो गया, एक दिन में कितना काम करेगा 1/, मान लो क्या, हम एक छोटा सा बता रहे, मैं आपको 10 क्लास 20 दिन में ले सकता हूं, तो एक दिन में कितना लेना होगा मुझे, वही बोल रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा। देन राम्स वन डे वर्क 1/n, यदि राम का इफ राम्स वन डे वर्क, यदि राम का एक दिन का काम 1/n है जैसे यहां लिखा, तो राम उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो 1/n जो आपका है इसको उल्टा कर देना, कितना कर देना n डेज कर देना, ठीक है। मान लो एक दिन का काम आपका आया, मान लो राम का वन डे वर्क आया, ये 1/n मान लो मेरा आया 13/40, क्या आ जाएगा, इफ राम्स वन डे वर्क 1/n हमने निकाला कितना आया 13/40 आया, एक एग्जांपल बोल रहा हूं। अब इसी को हम यहां पे लेंगे, देन राम कैन कंप्लीट फिनिश द वर्क इन एन डेज,
तो वो इस काम को कितने दिन में करेगा, एन डेज। एन कितना आपका, ये नीचे वाला 40, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो कितना आएगा 40/30, कितना आएगा 40/30, उल्टा कर देना, कुछ नहीं करना। यहां देखिए, यहां 1/n को क्या कर दिया, n कर दिया, मतलब ये नीचे वाले को ऊपर ले गया और ऊपर वाले को नीचे ला लिया है, इतना ही करना। इसी में बच्चा लोग गड़बड़ाई जाता है, एक दिन में 1/n आपका 30/40 है, तो उस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, उसको n डेज, और n है आपका 40, तो ये 40 को ऊपर ले जाइए और ये 13 को नीचे ला लीजिएगा। कोई दिक्कत, हम प्रॉब्लम लेते हैं, तब प्रॉब्लम में समझ आएगा। देखिए प्रॉब्लम लीजिए, जल्दी समझ आएगा। इफ सीता कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, सीता जो है कोई एक काम को 8 दिन में पूरा करती है, एंड गीता कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days, और वही सेम काम को गीता कितने दिन में कर देती है, 5 दिन में। सबका क्षमता अलग होता है, सीता ने कितने दिन में काम किया, 8 दिन में वो काम को कंप्लीट किया, लेकिन गीता ने 5 दिन में किया। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट, तो यदि दोनों एक साथ काम को करेगी तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। एक ने कितने दिन में कंप्लीट किया है, 8 दिन में। एक ने कितने में कंप्लीट किया है, 5 दिन में, ठीक है। लेकिन अलग अलग सेम काम था, दो काम सेम काम था। सीता ने 8 दिन में उस काम को कंप्लीट किया, गीता ने 5 दिन में कंप्लीट किया, और हमने सोचा कि कहले अलग अलग लगाया जाए, दोनों को उस काम के लिए एक साथ लगा दे, तो आपका आंसर इससे कम आना चाहिए। ये तो एक आदमी मैक्सिमम 8 दिन था, ये दूसरी जो बच्ची है वो 5 दिन में कर रही थी, अब दोनों करेगी तो 5 से कम आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और यदि आपका आंसर 5 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है गलत करके। अरे एक आदमी 8 दिन में कर रहा था, एक बच्ची 8 दिन में कर रही थी, दूसरी बच्ची 5 दिन में किया, और दोनों को मिला देंगे तो 5 से कम है भेजा करेगी, हो सकता है 2-3 दिन में काम कंप्लीट कर दे, इसीलिए आपने एक साथ लगा दिया। यही ना पूछा दोनों कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो सबसे पहले दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लो, ठीक है। पहले किसका निकाले, सीता का, एक नंबर में निकालिए सीता, दो आदमी है ना, इसलिए सीता, सीतास वन डे वर्क, सीता का एक दिन का काम, सीतास वन डे वर्क क्या हो जाएगा, क्या बताया था फॉर्मूला अभी स्टार्टिंग में, 1/n, 1/n, n क्या था, नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन, तो 1 और नंबर ऑफ डेज सीता के केस में कितना है 8, तो 1/8 days। ये सीतास वन डे वर्क ये काम है, ये घंटा नहीं है, ये क्या है? काम है, सीतास वन डे वर्क। दूसरा पॉइंट में निकाल लो गीतास वन डे वर्क, गीतास वन डे वर्क, ये काम का पैमाना है बेटा, समय का नहीं बोल रहा, समय तो निकालना है कि कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। गीतास वन डे वर्क, गीतास वन डे वर्क कैसा हो जाएगा, 1/n, 1/n, n क्या है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में पूरा कर रही हो, 5 दिन में, तो 1/n, 1/5 हो गया। ये 1/5 गीता का एक दिन का काम है और सीता का 1/8 है, दोनों का कितना होगा, ठीक है, 1 सीतास प्लस गीतास, ये फर्स्ट ऑफ ये से इसका मतलब क्या होता, सीतास प्लस गीतास वन डे वर्क, इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे 1/8 + 1/5, एलसीएम ले लेंगे, 8 और 5 है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आता, कुछ नहीं करना, दोनों का इंटू करो, 8 + 4 = 8, 5 जो कितना होता 40 हो गया। अब क्या करते, जो एलसीएम लिया, इस एलसीएम डिवाइडेड बाय क्या करना है, न्यूमरेटर, मतलब क्या करना आपको, 40/8 कीजिएगा, 8 × 5 = 40, 5 आया, इस 5 का 1 से इंटू कीजिए तो कितना हो गया 5 प्लस, फिर अब क्या कीजिएगा, जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आपका 40, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 5, 5 × 40, 8 हो गया, इस 8 का इंटू कैसे करेंगे 1 से, ये हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8 और 5 = 13/40,
क्या है आपका 13/40, ये क्या है, एक दिन का काम आया, घंटा नहीं, दिन नहीं आया है, वन डेज वर्क बोल रहा है, एक दिन का काम आया ये। इन दोनों यदि बच्चियां एक साथ काम करेगी तो कितना काम होगा, 13/40। लेकिन हमको क्या निकालना था, इन हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन में विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट, ये दोनों बच्चियां एक साथ काम करेगी तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। हम वहां पे बताए थे राम वाला, राम्स वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/N, राम कैन फिनिश द आर कंप्लीट द वर्क इन एन डेज बोला था, 1/N है ये, देखिए 1/N, एन मतलब नंबर, इसको उल्टा कर देने के लिए बोला था, तो ये 13/40 एक दिन का काम आया ना, 13/14 आया, इसको उल्टा कर दीजिए, उतने दिन में दोनों मिलकर कर देगी, तो बोथ विल कंप्लीट द वर्क, बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन डेज, कितने दिन में करेगी, इसको उल्टा कर देना, 13/40 है, इसको क्या कर दो 40/13 डेज, 40/13 दिन में ये दोनों बच्चियां मिलके काम करेगी। लेकिन आपको देगा क्या वो हम बता रहे हैं, इसको ऊपर से थोड़ा सा ही कर लेता हूं, आपको क्या करेगा, 40/30 दिया, अब इसको ऐसा नहीं देगा, इसको आपको दे देगा फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल में है तो उसको मिक्स्ड नंबर में दे देगा, क्या दे देगा, मिक्स्ड नंबर में, तो ये 40/13 करना, 13 3 कितना होता है 39, यहां कितना बचा 1, तो कितना हो गया ये, अब कैसे लिखेंगे इसको, 13/1/13 और ये हो गया डेज, ठीक है, और इतना आपको कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक बार करके देखेगा और इसी कड़ी में हम और आगे भेजेंगे, पहले इतना देखिए ना, फिर दूसरा प्रॉब्लम भेजते हैं, टाइम एंड वर्क के कम से कम हम 10 को करा देते हैं और फिर दूसरा एक चैप्टर पकड़ेंगे उसके 10 करा देते, 17 तक हम कराते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, और उसके बाद जब 20-21 को आप फुर्सत रहेंगे तो 22 से फिर एमसीएल के लिए चालू करेंगे, टेंशन मत लो, हम है नहीं यार, जितना हमसे हो रहा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी अपने तरफ से भिड़िए, सोए रहते हैं बहुत सारा बच्चा लोग।